कांग्रेस केंद्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में हुई हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा सोची समझी तरीके से हो रही है। दिल्ली चुनाव के समय भी इसे देखा गया था। भाजपा के नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर इस हिंसा को भड़काया है। एक भाजपा नेता ने पिछले रविवार को भी पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए भड़काऊ भाषण दिया था। गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की समय पर कार्यवाही नहीं करने से 20 लोगों की जान चली गई, एक पुलिसकर्मी की भी जान गई। कांग्रेस कार्य समिति सभी पीड़ितों के परिवारों के साथ गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार खासतौर पर गृह मंत्री जिम्मेदार है, उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सोनिया ने कहा कि दिल्ली सरकार भी शांति बनाए रखने में असफल साबित हुई। दोनों सरकारों की विफलता के कारण दिल्ली इस त्रासदी का शिकार हुई है। इससे पहले सोनिया गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में हो रही हिंसा और जान माल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती व्यवस्था पर कांग्रेस की आपात बैठक हुई। इसके बाद मोदी सरकार को राजधर्म याद दिलाने के लिए प्रियंका गांधी ने के नेतृत्व में सभी नेता राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च करने की योजना थी, जिसे बाद में बदल दिया गया। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कल का समय दिया है। राष्ट्रपति के पद का सम्मान रखते हुए हमने पैदल मार्च को कल तक के लिए टाल दिया है। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक खास रिपोर्ट। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। दोनों सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता से के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से सवाल पूछती है। नंबर एक, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहाँ थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर दो, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ थे और क्या कर रहे थे? नंबर तीन, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई? नंबर चार, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज्यादा फैलने वाले हैं? नंबर पाँच, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे, तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया? द कांग्रेस वर्किंग कमेटी बिलीव्स that the situation is grave and it requires urgent action. Adequate security forces must be deployed immediately to bring the situation under control. Peace committees must be formed in every mohalla consisting of members of all communities to ensure that there are no untoward incidents. Senior civil servants must be deployed in each district to take charge of the administration to ensure that the administrative machinery responds to the evolving situation. The Chief Minister of Delhi must be visible in the affected areas and in constant communication with the people. The Congress Working Committee appeals to the people of Delhi to reject the politics of hate and do their best
in healing the rifts caused by these shameful events, to help rebuild all that has been lost, and to ensure that such events do not take place ever again. The Congress Working Committee calls upon all Congress workers and leaders to visit the affected areas to extend all possible support to the families of those who have suffered as a consequence of the violence, and to help build bridges between communities. This would be the most fitting tribute to Mother India. Can you tell us why? We have to raise your hand and then we'll do it in a structured fashion. Can I start? We'll go one by one. I'll start with him and then I'll come to you. Congress is supposed to hold a march, you know, and petition the President of India for controlling the situation. The Congress party was to hold a march and give a memorandum to President of India today. The Honorable President of India communicated to Leader of Opposition, Shri Ghulam Nabi Azad, that he is unavailable today, has given us a time for tomorrow. Upholding the respect for his office, we have deferred the march and we shall be now giving a memorandum on the grim situation in Delhi and loss of lives tomorrow. I'll go to Sunil now. Madam, there is a deafening silence from the President of India, the Vice President, the Prime Minister, the Chief Minister, appealing for calm, and Chief Minister of course has yesterday appealed. Would you like to comment on that? And the CWC is keeping quiet about why wasn't the army deployed? Because when people have lost faith in the Delhi police, the temples of learning have been attacked, Jamia and JNU in the last 2 months. There is a lack of confidence in Delhi police. Why hasn't the CWC said that? Well, we have in our resolution mentioned precisely that. The need of paramilitary forces. Army, I asked for army because there is a problem between difference between paramilitary and army. There is the third step. First step is paramilitary and then... And the deafening silence from the top leadership. Well, I feel that is rather shocking. Yes, it was expected of the top leadership of both the central government and the Delhi government to speak up. And to, I've seen in social media some comments, but formally nobody has really come out with a positive message. Thank you. Can I ask Siddharth to ask you a question now? Does the Congress party think that all party meetings should be held, all party should be called by the Prime Minister to discuss this thing? You see, in the past, even during the Vajpayee government, in those days I used to be the LOP, Vajpayee ji, whenever there was a crisis of any kind, whether in Kashmir or in any other part of the country, the first thing he used to do, he used to himself call all leaders, all party leaders, and he himself on many occasions actually took those meetings. But sadly, unfortunately, and sadly, we have to say that ever since the Modi government has come in, since 2014, as far as I know, no such meeting has ever been called. The only one was recently when the Home Minister just now called the meeting, and that was only, they only called the, I think, the Delhi representative, not an all-party meeting. It is a sad fact, but it is the truth. Pallavi from Mrs. Gandhi, the BJP is on record saying that this is a well thought out conspiracy and a coordinated violence which was thought of, also timed with Donald Trump's visit to India. No, ma'am. Actually. Do we? I don't know. But I can't really believe what the BJP says. The insinuation is that the opposition is also responsible. But Pallavi ji, I think BJP needs to first settle the dichotomy between the statements of the Minister for Home Affairs
as also the Minister of State for Home. MOS Home says it's a concerted conspiracy, and Minister for Home Affairs says that no, it is a spontaneous riot. So let them first settle and come out with a clear stance. So Mrs. Gandhi, your reaction. I'll come to that. I've taken your question. Let me take from another colleague. एक चीज और भी है कि अब खतरा ये भी हो रहा है कि और राज्यों में भी हिंसा बढ़ सकती है. नेशनल कैपिटल में हालात है, किस तरह देखते हैं कि हमने एक बहुत, जैसे आपने मेंशन किया है कि एक बहुत ही ज़्यादा वायलेंस से बड़ा अग्रेसिव प्रोवोकेटिव कैंपेन भी देखा है फ्रॉम ऑल साइड. सर, इसी से जुड़ा हुआ है कि खासतौर से गुजरात में ऐसी घटनाएं देखने को मिली. दैट इज वाई इन आवर रेजोल्यूशन वी हैव स्पेल्ड आउट व्हाट वी थिंक needs to be done in order to quell the problem here, because yes, it is true that we fear that it may spread to other parts. We have clearly in our resolution, which I'm sure you will be given, we have clearly spelled out what we feel needs to be done. Ashok Sindhu. Madam, कल डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया था इसी घटना को लेकर के जो दिल्ली में चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम है, तो ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक स्वतंत्रता है, तो सरकार काफी कुछ कर रही है जो करना चाहिए. डिफेंड किया सरकार को. फॉरेन है जो स्टेट है उन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे. मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं. JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.